हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न के बारे में। अभी तक दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आ चुके हैं इस रिस्पेक्ट में कि जीएसटीआर 9 कैसे भरनी है, किसको भरनी है, पोर्टल पे इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या डिटेल्स देनी है। हम इन्हीं सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे आज के इस वेबिनार में। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जो जीएसटी अपलोड्स होते हैं वो आपको पता चले। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक यानी जीएसटीआर 9 पे। अब दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में आप देखिए एनुअल रिटर्न लिखा हुआ है यानी जीएसटीआर 9। अगर आपने जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन में रिलीज हुआ था वो देखा होगा तो आप देखिए उसमें बहुत सारा आपको लगा होगा कि कंटेंट वो लोग पूछ रहे हैं, जिसमें हम लोग को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी थी कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। वो देखते ही एक बारी को टैक्स पेयर डर जाता है कि इतनी सारी डिटेल्स हमें देनी है, बट पोर्टल ने इसको आसान कर दिया है। अब किस तरह से आसान किया है वो हम देखते हैं। एनुअल रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2017-18, क्योंकि जीएसटी को गए हुए एक ही फाइनेंशियल ईयर हुआ है अभी तक, तो हमें 2017 से 18 का ही ये ऑप्शन दे रहा है। अब हमने इसमें सर्च पे क्लिक किया तो इस तरह से पहले हेल्प बॉक्स आया मेरे सामने। पढ़ते हैं इसको, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निल जीएसटीआर 9 आपकी कब जाएगी, यानी आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो निल रिटर्न कब फाइल होगी अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं किया है, यानी आपने कोई भी सेल नहीं करी थी पूरे 2017 से 18 के दौरान में। दूसरी चीज, आपने कोई भी परचेज भी नहीं करी थी इस पूरे ड्यूरेशन में। तीसरी, आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, यानी टैक्स की लायबिलिटी जीएसटी में नहीं थी 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर में। चौथा पॉइंट बोलता है कि नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर आपने कोई परचेज नहीं करी होगी तो ऑब्वियसली आपने कोई क्रेडिट भी नहीं क्लेम किया होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी उसे वो क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम किया है तो आपने रिटर्न नहीं भर पाएंगे, यानी आपको कोई क्रेडिट क्लेम नहीं करना था 2017 से 18 में, तभी आप निल रिटर्न के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उन्होंने कहा है नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, यानी मे बी अगर आप पे कोई नोटिस सर्व हुआ है और नोटिस में कोई ऑर्डर, उसके परसुएंट में कोई नॉट ऑर्डर आप पे सर्व हुआ है और ऑर्डर में आप पे डिमांड निकली है जीएसटी पे करने की, तो अगर इस तरह की भी कोई लायबिलिटी है तब भी आप निल रिटर्न नहीं भर पाएंगे। मीनिंग देयर बाय कि आप पे किसी तरह का लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, कोई आप पे डिमांड ऐसी सर्व नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का क्रेडिट आपने लिया नहीं होना चाहिए, ना ही आपने कोई सेल करी होनी चाहिए और ना ही आपको कोई परचेज करी होनी चाहिए। कब? 2017 से 18 तक। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही है कि आपको यदि आपने कोई रिफंड फाइल किया है तभी भी आप निल रिटर्न नहीं भर पाएंगे, यानी एक और कंडीशन इन्होंने बोल दी है कि अगर आपने रिफंड नहीं फाइल किया है तभी, यानी आपका कोई रिफंड नहीं बनता था, आपने क्लेम नहीं किया है उस दौरान, तभी आप निल रिटर्न के लिए जा पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सभी में से अगर आपका एक पॉइंट भी फुलफिल हो जाता है, यानी अगर आपका रिफंड बनता है या फिर आपका सिर्फ इनपुट बनता है, तो आप निल रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स पूरे करते हैं आप, तभी आप निल रिटर्न भर पाएंगे। दूसरा पॉइंट वो बोलता है कि जीएसटीआर 9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑफलाइन टूल आल्सो, यानी दो तरीके हैं हमारे जीएसटीआर 9 को बनाने के, कि हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि एनुअल रिटर्न इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 9 इज रिक्वेस्टेड टू बी फाइल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो भी व्यक्ति जिसने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है और जो यूजुअली जीएसटीआर 1, 3B फाइल करता हुआ आ रहा है, उस हर एक व्यक्ति को जीएसटीआर 9 भरना होगा, चाहे आपकी ट्रांजैक्शन रही हो उस पूरे साल में या नहीं रही हो।
अगर आपकी किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन सभी प्रकार की अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं रही है तो आप निल रिटर्न फाइल करके फ्री हो सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर एक भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है उनमें से, तो आप निल रिटर्न नहीं भर पाएंगे और आपको पूरी GSTR 9 जो नॉर्मल तरीका होता है, आपको डिटेल्स देख के फिर उसको फाइल करना होगा। ऑल द एप्लीकेबल स्टेटमेंट्स इनफॉर्म GSTR 1 and returns in form GSTR 3B for the financial year shall have been filed before GSTR 9. इन्होंने इस पॉइंट के थ्रू ये कहना चाहा है कि 2017 से 18 की जो भी आपकी GSTR 1 और GSTR 3B फाइल होनी चाहिए थी वो फाइल हो जानी चाहिए। यानी जुलाई 2017 को हमारा GST आया, तो जुलाई 2017 से लेके मार्च 2018 तक की GSTR 1 GSTR 3B प्रॉपरली फाइल होनी चाहिए, तभी आप GSTR 9 भर पाएंगे। यानी दोस्तों, अगर अभी तक आपने 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से रिलेवेंट कोई रिटर्न नहीं भरी है 1 या 3B में से, तो आप एनुअल रिटर्न नहीं भर पाएंगे। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, इन्होंने कहा कि एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज्ड। जो अभी तक GST में प्रॉब्लम परसिस्ट करती है वही सेम एनुअल रिटर्न में भी है। यानी अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी GSTR 9 को भरने में और उसको फाइल कर दिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी फिगर आप डाल रहे हो GSTR 9 में वो टोटली वेरीफाइड हो, आप उसको अच्छे से क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर ले और तभी GSTR 9 को भरें। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है कि कॉम्प्यूटेशन ऑफ ITC based on GSTR 2A has been auto-populated by system-based GSTR 1 filed by your corresponding suppliers up to 28th February 2019. Next updation of GSTR 2A will be carried on 31st March 2019. If you have missed any credits in GSTR 2A, you may like to wait till next updation. Meaning, ki अभी तक आपको दोस्तों जैसा पता है कि GSTR 2A यानी जो GST 2A हमें रिफ्लेक्ट होती थी पोर्टल पे, हम उससे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने 3B में लिया होता था उसको मैच करते थे। जो भी डिफरेंसेस होते थे हम अकॉर्डिंगली अपने सप्लायर को बोलते थे कि वो GSTR 1 भरे ताकि वो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाए। तो इन्होंने कहा है कि जो GSTR 2A का डेटा है यानी ITC का जो डेटा है वो एज ऑन डेट यानी जो अभी आप अपनी GSTR 9 खोलेंगे उसमें अपडेटेड है टिल 20th फरवरी 2019। यानी जो भी आपके सप्लायर ने अपनी सेल डाली यानी आपकी जो परचेजेस हुई अप टू 29th फरवरी वो यहाँ पे अपडेटेड दिखेंगे आपको। बट सपोज कीजिए कोई ऐसा परचेज बिल था जो 17-18 से परटेन करता था, बट क्योंकि सप्लायर ने GSTR 1 नहीं भरी तो वो आपके 2A में नहीं रिफ्लेक्ट किया था। बट अगर उसने से जनवरी 2019 में उस पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न भरी और अब वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो इस GSTR 9 में भी करेगा। परंतु अगर उसने सपोज से फरवरी 2019 तक भी GSTR 1 नहीं भरी, कौन से पीरियड की, 17-18 तक की, तो आपके 2A में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा वो। ऐसे केसेस में अभी आप GSTR 9 फाइल ना करें, आप वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अपडेशन जो होगा वो मार्च एंड में होगा। यानी मार्च एंड के बाद दोबारा GSTR 9 को रिवाइज किया जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि जो GSTR 2A है उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। यानी अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न भरी होगी तो उस दौरान में आपका वो पोर्टल अपडेट कर देगा उसको। फिर आप देखिए कि ब्लू कलर का टैब आ गया है जो है एनुअल रिटर्न का। इस पे जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक करेंगे, आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा दोस्तों, एक और बात आती है कि किस व्यक्ति को ऑनलाइन प्रिपेयर करनी चाहिए एनुअल रिटर्न और किसको ऑफलाइन। तो जिनके पास बहुत सारा डेटा है यानी यूजुअली देखें तो 500 लाइन आइटम से ज्यादा का अगर आपका डेटा है, तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू GSTR 9 को बनाए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी इजिली बना सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पे लॉग इन किया है यानी GSTR 9 को प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन एयर आया है और क्वेश्चन एयर पूछता है कि डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, यानी क्या आप निल रिटर्न भरना चाहते हैं। अब निल रिटर्न कौन भर सकता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसने कोई सेल्स ना करी हो,
परचेज ना करी हो, किसी भी तरह का इनपुट उसने क्लेम ना किया हो, कोई उसकी लायबिलिटी ना रही हो, किसी तरह का डिमांड ऑर्डर उस पर सर्व ना हुआ हो और ना ही उसने कोई रिफंड क्लेम किया हो, अगर आपकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप नल रिटर्न भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। अब बहुत अच्छी बात क्या है कि गलती से भी किसी व्यक्ति से कोई ऑप्शन गलत ना सेलेक्ट हो जाए तो पोर्टल ने इस चीज को इंश्योर किया है। कैसे? क्योंकि जो मैं आपको फाइल दिखा रही हूँ उसमें नल रिटर्न नहीं है, यानी हमने GSTR 1 और 3 भी भरी थी तो इसने ऑटोमेटिकली ऑप्शन नो पे दिया है, यानी आप नल रिटर्न नहीं भर सकते हैं। और साथ में इसने नोट भी दिया है, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल नल GSTR 9 रिटर्न सिंस यू हैव फाइल्ड द रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स अदर देन नल फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि मैंने डेटा वाली GSTR 1 और 3 भी फाइल करी थी तो ऑब्वियसली मैं GSTR 9 निल रिटर्न की तरह फाइल नहीं कर सकती हूँ। अब इसमें हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक फीचर ऐड किया है पोर्टल ने कि आप ऑटोमेटिकली GSTR 9 की समरी को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही आप GSTR 1 की समरी को भी डाउनलोड कर सकते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, और GSTR 3 भी की समरी को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जिसके लिए भी निल रिटर्न है या सपोज आपकी बहुत कम ट्रांजैक्शंस रही है तो आप सिंपल सी बात है आप डाउनलोड करोगे GSTR 9 को। अब क्योंकि दोस्तों मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है GSTR 9 को तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिखेगा। इस तरह से आपकी 4 पेज की GSTR 9 मेरे केस में जनरेट हुई है। यहाँ पे अगर आपकी कम ट्रांजैक्शंस रही है तो आप सिंपल इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये सिस्टम जनरेटेड है कि हाँ यही फिगर्स आने चाहिए थे या इससे कुछ अलग हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे उसको। अगर यही सब फिगर्स आने चाहिए थे तो आपको पता चल जाएगा GSTR 9 मेरी सही ऑटो जनरेट हो गई है सिस्टम के थ्रू। अगर वो सही है तो सिंपल मैं पोर्टल पे जाऊंगी और पोर्टल पे जाके नीचे देखिए आप कंप्यूट लायबिलिटीज करूंगी। अच्छा दोस्तों इसमें एक बात और है कि अगर आपको सपोज आपने जो लायबिलिटी अपनी GSTR 1 और 3 बी में बताई थी वो कम थी और जो आपको एक्चुअल में पे करनी है वो ज्यादा थी, तो अब आप कैसे पे करेंगे उस लायबिलिटी को? उस लायबिलिटी को आप फॉर्म DRC 03 से पे करेंगे और वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे कि एनुअल रिटर्न की वजह से वहां पे जो हमने डिस्कवर किए हैं डिफरेंसेस उस वजह से मैं ये पेमेंट कर रहा हूं और वहां पे मैं इसको पे करूंगा। पे करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप कंप्यूट लायबिलिटीज करेंगे आप उसको पे कर देंगे DRC 03 से, उसके बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं बहुत आसानी से वही DSC या EVC के थ्रू। सो इस तरह से अगर आप देखेंगे दोस्तों हम GSTR 9 को भर सकते हैं। बट अब प्रश्न आता है कि इनमें जो डिटेल्स हैं वो किस तरह से जानी है, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं इन बॉक्सेस की, तो दोस्तों इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक एक बॉक्स की अच्छे से जानकारी दूंगी कि किस तरह से किस बॉक्स में क्या क्या डिटेल जानी है। उसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।